स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है इंट्रोडक्शन टू डेंसिटी से रिलेटेड, जिसके थ्री पार्ट्स हैं. आप देख सकते हैं कि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. इन तीनों स्टेटमेंट्स में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हमने फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास पहला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एक आयरन स्फीयर है और उसका मास हमारे पास 5 kg है और डेंसिटी ऑफ द आयरन इज 8200 kg/m³. सेकेंड आपने फाइंड आउट करना है जो आपके पास एक लेड शूट है, उसका जो मास है आपके पास 200 grams है और उसकी डेंसिटी जो है वो 11300 kg/m³ है. अब और थर्ड आपके पास एक गोल्ड बार है और उसका मास आपके पास 0.2 kg और डेंसिटी ऑफ द गोल्ड बार इज 19300 kg/m³. अब इसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है वो ए पार्ट में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या जो चीज़ें हमें गिवन है और क्या क्या हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अच्छा, अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, डाटा जो हम इसमें से कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले हमें क्या जो चीज़ अननोन है, जो कि ऊपर सबसे पहले ऊपर लिखी गई है, वो है हमारे पास वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जो कि हमने फाइंड आउट करना है. और फिर उसके बाद उस आयरन सफेयर का हमें मास गिवन है जो कि हमारे पास 5 kg है स्टूडेंट्स, और हमारे पास उसकी डेंसिटी भी हमें गिवन है जो कि हमारे पास 8200 kg/m³ है. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम किस तरह से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है. डेंसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और जो कि ये शो कर रहा होता है कि आपके पास जो कितना जो मास है वो कितना कितनी जगह घेर रहा है, यानी कि मादा जो कि मैटर, यानी कि मैटर अगर कोई हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी है, और मैटर जितनी स्पेस घेरता है उसको अगर हम मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम से उसकी रेशियो निकाल लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास डेंसिटी कहलाती है. ठीक है. अब क्योंकि हम जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ. ठीक है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है. हम एक क्वांटिटी को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें जो है राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे ये ऑपरेशंस करना पड़ेगा. वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. ठीक है, यानी कि आपने डेंसिटी को जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दिया. अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपका मास जो है वो आपको मालूम है, यानी कि मास हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, और हमारे पास है भी वो केजी में, क्योंकि हमारे पास हमने ये इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाटा में वो आपने ये देखनी है कि आपके पास आइदर सारी न्यूमेरिकल्स जो क्वांटिटीज आपको गिवन है वो ऐसा यूनिट में हैं कि नहीं. अब मास हमें ऐसा यूनिट में गिवन है जो कि 5 kg है स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो डेंसिटी है वो है 8200. ठीक है, 8200 kg/m³. अब जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट्स की अगर हम बात करें तो केजी केजी से कैंसिल हो जाएगा, और मीटर क्यूब जो कि डिवाइड हो रहा है यहाँ वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हमारे पास 5 / 8200 जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट, 6.1 × 10⁻⁴ m³. ठीक है, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम निकला है इस आयरन सफेयर का, जो कि आपको फिगर में भी शो किया जा रहा है कि हमारे पास आयरन सफेयर जो है वो इस शेप का दिखाया गया. अब फिर सेकंड अगर हम स्टेटमेंट की तरफ आए स्टूडेंट, सेकंड प्रॉब्लम जो इसमें सेकंड हमारे पास था पॉइंट, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, आपने लेड शूट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका मास 200 grams है और डेंसिटी जो है वो 11300 kg/m³ है. पार्ट बी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. पार्ट बी में हमने क्या करना है, मास जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स वो कितना है, 200 grams, और हमारे पास जो डेंसिटी गिवन है वो है 11300 kg/m³. अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि इसमें हमें मास जो है वो ग्राम्स में गिवन है, और ग्राम हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम उसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 kg जो है हमारे पास 1000 grams के बराबर होता है. तो आप 200 / 1000 करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है मास का, मास का आंसर आता है स्टूडेंट 0.2 kg. ठीक है, आपने कन्वर्ट कर लिया केजी से ग्राम्स में, सॉरी ग्राम से केजी में. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम देखें वॉल्यूम का, अगेन वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी से जो हमने फॉर्मूला इसका एक्सट्रैक्ट किया था वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर मैं वॉल्यूम को लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो वो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी बन जाएगा. अब मास जो है वो हम पुट करेंगे 0.2 kg, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है हमारे पास कितनी है, 11300 kg/m³. ठीक है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 1.77 × 10⁻⁵ m³. ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट जो है हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर्स क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, लेंथ
लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और अगर तीनों को हम, क्योंकि ये तीनों लेंथ मतलब कि हमारे पास जिस तरह हम कहते हैं कि लेंथ मेजर करने की ही हमारे पास है, तो ये तीनों के यूनिट जो है वो मीटर होंगे, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो हमारे पास मीटर क्यूब बन जाता है इसका यूनिट। अच्छा, फिर थर्ड हमारे पास आ जाता है, थर्ड पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सी पार्ट जो है। सी पार्ट में हमारे पास एक गोल्ड बार का जिक्र किया जा रहा है, और गोल्ड बार का जो हमारे पास मास, हम वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है इसमें, ठीक है। मास हमें गिवन है जो कि 0.2 kg है, और डेंसिटी भी हमें गिवन है स्टूडेंट्स, डेंसिटी कितनी है 1930 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास की डेंसिटी है। अब हम इसका फाइंड आउट करना क्या चाहते हैं, हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं। वॉल्यूम के लिए अगेन मैं वही सेम फॉर्मूला जो है वो तीनों में यूज करूंगी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब इसमें हमारे पास दोनों क्वांटिटीज जो है स्टूडेंट्स वो एसआई यूनिट में, केजी भी और केजी पर मीटर क्यूब, या इंटेंसिटी भी हमें एसआई यूनिट में गिवन है, तो हमने जस्ट इसमें वैल्यूज इनपुट करनी है, यानी कि 1930 kg पर मीटर क्यूब। तो मैं इसको जब डिवाइड करती हूँ 0.2 को 1930 से, तो मेरे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 1.04 × 10⁻⁵ m³, ठीक है, ये हमारे पास इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने तीनों केसेस में जो है वो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि आयरन बार का, सॉरी आयरन सफेयर का, और हमारे पास लेड शूट का और गोल्ड बार, तीनों के हमने वॉल्यूम्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए।